पोटैटो रोल जो मुंह में जाते ही घुल जाएं, मक्खन और मलाई की तरह नरम मुलायम, बहुत ही जबरदस्त। पोटैटो रोल की बहुत ही जबरदस्त और नायाब रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार, लजीज और टेस्टी बनती है। इसको कैसे बनाया जाता है, कितने मिनट में ये तैयार हो जाती है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने आलू को बॉयल कर लेना है। आलू को बॉयल करके इसे जो है आपने स्मैश कर लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मेरे पास डबल रोटी है, डबल रोटी को आपने इसमें जो है काट देना है, ये इसमें मिक्स कर देना है। देखें इस तरीके के साथ, बिल्कुल मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। आपने स्टेप टू स्टेप देखना है और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी घर पे बना सकें। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसको जो है मिक्स कर दूंगा बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद मेरे पास धनिया है, हसब ज़ायका धनिया, और इसमें जो है लहसुन डाल दूंगा, लहसुन का ऊपर वाला छिलका, ताकि इसके टेस्ट को डिवेल्प किया जा सके और इसकी रंगत को निखारा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसमें जो है मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, ये मिक्स कर देंगे। इसके बाद मेरे पास लाल मिर्च है, हसब जरूरत आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं, हम ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं जो है मकदार को बिल्कुल बराबर रखूंगा। इसके बाद इसमें नमक जाएगा, हसब जरूरत आपने नमक डालना। इसके बाद धनिया, धनिया को देखें, धनिया आपने साबित डालना है ताकि इसके टेस्ट को डिवेल्प किया जा सके और इसकी जो है रंगत को निखारा जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस पेस्ट को आपने तैयार कर लेना, इनको जो है मिक्स कर लेना। इसके बाद मेरे पास हैं लाल और सब्ज मिर्च कटी हुई, इस तरीके के साथ आपने काटनी है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैं आप जो आपको बता रहा हूँ, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो आपके पोटैटो रोल में जो है जायका नहीं आता। तो बिल्कुल एहतियात के साथ आपने बनाना है। तो इसके बाद आपने घी को गर्म कर लेना है। घी को गर्म करने के बाद इसमें पोटैटो रोल इस तरीके के साथ ये शेप आपने देनी है, डाल देने। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और मिनटों में ये तैयार हो जाती है। और तकरीबन इसका जो सामान है हर घर में जो है मौजूद होता है, यानी बेसन पोटैटो वगैरह हर घर में मौजूद होते हैं, तो कोई मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए और आप भी घर पर बना सकें। तो माशाल्लाह से देखें, इनको जो है आपने लाइट ब्राउन कलर देना है और लो मीडियम फ्लेम पे जो है इसको देना है। अगर आप जो है हीट को बढ़ा देते हैं, आग ज़्यादा रखते हैं, तो ये अंदर से कच्चे रह जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी शक्ल इनमें आना शुरू हो गई है, ये पक कर तैयार हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर क्या करें। अल्लाह हाफिज़।